हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सभी प्लीज। गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों का, एक बार कंफर्म कर दीजिए। गुड इवनिंग पूजा जी। ओके, कल की पीडीएफ मिल गई है सबको? सैंपल सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग के टाइप्स मिल गया है कल पीडीएफ सभी को? एक बार मुझे ये भी कंफर्म करके बता दीजिए। गुड इवनिंग ऋतुराज जी, ललिता राणा, अंजलि शुक्ला जी, दीपमाला जी, ऑल क्लियर? ओके करिश्मा, राजपूत, जोया जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? मिल गई है। ओके, कोई ऐसा जिसको ना मिली हो सिर्फ अभी वही रिप्लाई करे, जिनको नहीं मिली है कल सैम्पलिंग की पीडीएफ। यस मैम, मिल गई पीडीएफ। ओके ठीक है। गुड इवनिंग जी परमदीप जी, गुड इवनिंग पूजा जी। यस मैम। ओके, कोई ऐसा जिसको नहीं मिली पीडीएफ कल वाली सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के टाइप्स कल जो किए थे हमने, जल्दी से बता दो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं मिली मैम परमदीप, आपको मे भी काफी टाइम नहीं मिलती है पीडीएफ, है ना? कौन सा है आपका सेकंड पेपर? इकोनॉमिक्स है कि कौन सा है? होम साइंस है। कहाँ पर सेंड किया है? सेंड करिए। कंटेंट में जाना है, कोर्स में जाना है, दिसंबर वाले में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, सारे कोर्स में सेंड करिए। मैंने पीडीएफ कहाँ सेंड किया है मैम? हिस्ट्री है। ओके हिस्ट्री है, चेक करूंगी एक बार। बाकी टाइप ऑफ रिसर्च मिल गया था परमदीप आपको, सेकंड सेकंड पार्ट टाइप ऑफ रिसर्च का। हिस्ट्री में मैं चेक कर लूंगी एक बार। और किसको नहीं मिली पीडीएफ? ओके मैम, ओके मिल जाएगी। परमदीप जी मुझे बताइए एक बार कि आपको टाइप ऑफ रिसर्च सेकंड पार्ट मिल गया था, ठीक है? इट मीन्स कि फिर हो सकती है थोड़ी गड़बड़, क्योंकि हिस्ट्री के चार पांच कोर्स है मेरे पास, पूरे 30 कोर्स है जिसमें मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ, तो हो सकता है कि एक आधा कोर्स में नहीं हुआ होगा, मे भी मिल गया था। ठीक है ठीक है, मैं आज चेक करूंगी हिस्ट्री का। ठीक है जी, करें फिर क्लास को स्टार्ट। थम्स अप दे दो सभी। किसी ने कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो अभी बोलो प्लीज, टाइमली। 7:07 हो चुके हैं, जल्दी से क्लास स्टार्ट करो। और अभी देखो आपका रिलायबिलिटी करना है, वैलिडिटी करना है, पॉजिटिविस्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट भी करना है हमें, ठीक है? या तो अगर पॉजिटिविस्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट में नहीं करवा पाई तो शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। और इसके साथ साथ क्वेश्चन और शेड्यूल का कल किया था आप लोगों ने सर्च, कि क्वेश्चनरी क्या होता है और शेड्यूल क्या होता है, सर्च किया था कल क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल का। साथ में हमें स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग करना है, हाइपोथेसिस करना है, अभी रिसर्च एथिक, रिसर्च प्रोसेस करना है। स्टेप स्टेप उसी में ही आ जाएंगे। और क्या रह गया हमारा टॉपिक रिसर्च का? आईसीटी इन रिसर्च, स्टेटिस्टिक्स इन रिसर्च, काफी टॉपिक रहते हैं अभी। सैम्पलिंग हो गया है, वेरिएबल्स भी करने हैं अभी, वेरिएबल्स एंड स्केल। कल देखते हैं, कल हम स्केल कर लेंगे, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, वो सारे लिंकर्ड स्केल, थ्रस्ट एंड स्केल, वो कर लेंगे कल, ठीक है? मुझे आज जीतू सर की बुक मिला है। ओके ठीक है जी। मैम आप जितेंद्र सर के बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो ना? पीवाईक्यू की बुक है उनकी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है। हम तो अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, जो एनटीए वालों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ मैं। उनकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है। यस मैम, हिस्ट्री कोर्स में पीडीएफ नहीं मिली, ठीक है? हिस्ट्री में मैं चेक कर लूंगी अंजलि जी मुझे। ओके ओके मैम, कम्युनिकेशन में मॉडल्स भी रहते हैं परमदीप, दो तीन मॉडल्स रहते हैं कम्युनिकेशन में ना आप लोगों के, उसको सर्च कर लेना। अब पॉसिबल नहीं कि हो पाएगा अभी। बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट है ना, लीनियर मॉडल के अंडर, इंटरेक्टिव और ट्रांजेक्शनल मॉडल के अंडर, वो मैंने करवाए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। बाकी जो दो तीन मॉडल थे ना, न्यू कॉम्प वाला था, मे बी न्यू कॉम्प वाला था, कौन से थे दो तीन मॉडल, उसको आप देख लेना एक बार अपने भी हाफ पे, चेक कर लेना उसको, ठीक है? ठीक है, करते फिर क्लास को स्टार्ट। कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन का क्या है मैम? कम्युनिकेशन, अच्छा ठीक है, उसका रिप्लाई हो गया है। ओके जी, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं हम, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। अच्छा मुझे ये बताओ कि लखनऊ से कौन कौन है? लखनऊ से है कोई हमारी क्लास में स्टूडेंट? लखनऊ से कोई है क्लास में? मुझे बताओ एक बार प्लीज मैम। शिमला का एड्रेस भेज देना, मैं आऊंगी मैरिज में मैम। ओके राखी मिश्रा जी, ठीक है मैं एड्रेस भेजूंगी आपको। अभी तो टाइम है काफी, दिसंबर में, मतलब दिसंबर स्टार्टिंग में, या फिर ऐसे भेज देंगे, ठीक है? अभी आप एग्जाम की तैयारी करो, जब भी आपका एग्जाम होता है, 20 को है, 20 दिसंबर को है मेरी मैरिज, तो भेज दूंगी एड्रेस। अभी मुझे बताओ लखनऊ से कौन कौन है? लखनऊ के पास थोड़ी देर रहती है। ओके राखी मिश्रा जी, एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने कॉलेज में ऐसे इंटरव्यू दिया था, तो लखनऊ में मुझे ऑफर लेटर आया आज, दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट,
इंस्टीट्यूशन। अभी तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं कंफर्म, उन्होंने ऑफर लेटर दिया है मुझे, तो अभी मैंने कंफर्म नहीं बताया कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी, बट देखते हैं। सही है क्या वहाँ पे दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट? आप जानते हो मैम, मैं कुछ दिन से क्लास नहीं ले पा रही लाइव, मुझे अभी चला आपके एंगेजमेंट के बारे में। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। ओके प्रेरणा जी, थैंक यू सो मच, बढ़िया है। कौन है? आप विजिट करिए। नहीं विजिट फिर इतना दूर शिमला से जाना, तो फिर पता ही आप लोगों को, अगर इतनी दूर जाना है तो फिर ये तो हो कि हाँ प्लीज मैम मेरे घर आओगे मैम। हाँ राखी मिश्रा जी, अगर तो मैं आई लखनऊ तो आ जाऊंगी, बिकॉज मुझे ना ऑफलाइन पढ़ाना है ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो जाए। रहूंगी तो शायद मैं भी 5-6 मंथ ही, क्योंकि मुझे PhD के लिए ये भी करना है, पर अभी तो चलो 1-2 साल में सोच रही हूँ कि अभी पढ़ा ही लेते हैं, मीन्स एक्सपीरियंस के लिए, ओनली एक्सपीरियंस के लिए मुझे जाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है मैम। अच्छा ओके, दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से आया मुझे ना ऑफर, ऑफर लेटर। इंटरव्यू दिया था मैंने, ऐसे ही दिया था चलते फिरते, ज़्यादा उन्होंने पूछा भी नहीं कुछ ज़्यादा, क्योंकि एक्सपीरियंस था टीचिंग का, मीन्स ऑनलाइन टीचिंग का था, ऑफलाइन का नहीं है मुझे एक्सपीरियंस। मस्त है बाहर, वहाँ पर सब कुछ मस्त है ना। चलो ठीक है फिर, ठीक है करते क्लास स्टार्ट। पर्सनल मैसेज कहाँ पे करें? राखी मिश्रा जी पर्सनल मैसेज आप हो इसमें, फिलर फॉर्म पे जो मैसेज आता है, लखनऊ में मेरा एग्जाम है। ओके ठीक है। जो ये फिलर फॉर्म पे आते हैं ना मैसेजेस, सुनीता पाल का तो मुझे आता है मैसेज, और भी है एक आते हैं जिनका मुझे मैसेज आता है मे भी दीप माला भी है, इनके भी मुझे मैसेज आ जाते हैं। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो फिर क्लास में। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, किसी को पता है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होता है? अभी बीते दिनों में भी मैंने बताया था वैसे क्लास में। UGC नेट सेट पेपर फर्स्ट का है मेरे पास फिलर फॉर्म का। मनीषा मनीषा के भी मैसेज आ जाते हैं यहाँ पे, विकी के भी है, और माधवी, और किसका मैसेज है, शिवांगी, दीपमाला, सुनीता पाल, माधवी, जयश्री, ये लोग तो हैं यहाँ पे जिनके मैसेज आ जाते हैं। ममता फिलर फॉर्म पे है, ये ऐप पे ही है, बाकी मेरा अलग से कोई ग्रुप नहीं है। गुड इवनिंग मैम, फिलर फॉर्म पर कहाँ आता है मैसेज? ये अगर ऐसा फिलर कोई फॉर्म पे ग्रुप पता हो नहीं कहाँ आता है, बस जो मेरे पास ऐप है ना फिलर फॉर्म की ऐप है, फोन पे मेरे ऐप है, उसी में ग्रुप बना हुआ है ऐसे। हम मुझे ग्रुप बनाने के लिए मना किया सर ने, ऐसे नहीं बना सकते। रिलायबल कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी एक्यूरेसी, वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा जी, इतना भी पता है ना तो भी एक नंबर तो आई, दो नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत बार तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चनरी में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अल्टरनेट आंसर के साथ, शेड्यूल में क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन स्पेस होती है, उसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट क्वेश्चन पूछ कर आंसर फिल करता है। हाँ जी हाँ, ये था इसमें ना जो मेन, जो आपने लास्ट लाइन लिखी मोहम्मद जी, ये था इसका जो डिफरेंस था, कि जो आपका शेड्यूल होता है ना वहाँ पर जो रिस्पोंडेंट होते हैं ना वो एक्चुअली फिल करता है, बट जो क्वेश्चनरी होता है, क्वेश्चनरी में जो इंटरव्यूअर होता है वो फिल करता है। ठीक है ये डिफरेंस था इसमें मेन। वेरी गुड आपने सर्च किया, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, यहाँ से ना बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता था कि क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, और भी आप लोग देख लेना। ओके वैलिडिटी ऑलवेज रिलायबल है, हाँ ठीक है ठीक है, ये भी सही है विकी जी, और वैलिडिटी एक्यूरेसी, ओके रिलायबल कंसिस्टेंसी, हाँ RC का बनाया था ना हमने प्रियंका जी, इसका निमोनिक क्या बनाया था हमने, RC बनाया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ये हमने निमोनिक बनाया था, RC और VA। मैम पॉलिटिकल वाले सर है लखनऊ से। अच्छा पॉलिटिकल वाले सर कौन है, क्या नेम है उनका? अतुल है पॉलिटिकल वाले सर, कौन है मुझे नहीं पता सर के नेम ना, फिलर फॉर्म की फैकल्टी के नेम भी पूरे ढंग से पता नहीं है, देख लो ऐसे ऐसे हाल है। ओके करते हैं फिर स्टार्ट आपका टॉपिक वैलिडिटी एंड आपका रिलायबिलिटी। ठीक है इसके टाइप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपका ऐसा टॉपिक है ये कि जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने हैं, तो प्लीज अब सभी ध्यान देंगे, अब सारी चीजों को छोड़ो, लखनऊ को भी छोड़ो, और अतुल सर है ठीक है, हाँ ठीक है, मेरा गैस बहुत बार सही जाता है, आई डोंट नो कैसे, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, मेरा गैस जो होते हैं ना सही जाते हैं। इस बार जो मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ था ना कॉमर्स में, सच बता रही हूँ मैंने नहीं पढ़ा कॉमर्स में, टच तक नहीं किया था, और बस वो एजुकेशन गैस ही बोल सकते हैं उसको, जो मैंने क्वेश्चंस लगाए थे विदाउट एनी पढ़े, मैं अपने लिए हैरान थी कि कैसे हो सकता है बिना पढ़े।
मैम पॉजिटिविस्ट करवा दिया है आपने, नहीं करवाया ये मैं सोच रही हूँ शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। देखो पॉजिटिविस्ट, ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव नेचर, ये लोग वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो साइंस बोल रही है वो एज इट इज सही है। मीन्स ये मानते हैं कि ट्रू नॉलेज है, कि जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है, मीन्स जैसा है वैसा ही है। पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट हो जाता है इसका बिल्कुल ऑपोजिट, और ये हो जाते हैं क्रिटिकल रियलिस्टिक, और जो पॉजिटिविस्ट है वो हो जाते हैं आपके रियलिस्टिक। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में करवाऊंगी, बाकी पीडीएफ तो मैंने दी है आप लोगों को, इसमें दी थी पीडीएफ, टाइप ऑफ रिसर्च के पार्ट सेकंड में दी आपको पीडीएफ। नहीं हुआ रेखा जी, JRF नहीं हुआ मेरा, नेट ही हुआ है, नेट हुआ था मेरा, पर मैं ये हैरान थी कि बिना बड़े नेट हुआ था अभी सेकेंड टाइम। ठीक है, करो स्टार्ट अब, प्लीज फोकस करो पढ़ाई पे, दिसंबर में एग्जाम है, प्लीज फोकस करो, और सभी बोल दो वी वांट JRF, जो भी आप चाहते हैं वो बोल दो साथ के साथ। ओके करते स्टार्ट, वैलिडिटी। हाँ जी, तो वैलिडिटी देखो सबने बोला कि मैम एक्यूरेसी को बताती है, सही है। ठीक है, अब देखो रिसर्च वैलिडिटी इज द एस्पेक्ट दैट एस्टेब्लिश द डिग्री टू विच स्टडी एक्यूरेटली मेजर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना आपको, मेजर इट एम टू इन्वेस्टिगेट, इट रिफ्लेक्ट द प्रिसीजन ऑफ द रिसर्च डिजाइन, एक्यूरेसी ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड एंड एनालिसिस, एंश्योर दैट फाइंडिंग आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिड ऑब्जेक्टिव। अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं कि आपको जो वैलिडिटी है ना, एक ही लाइन में बताऊंगी, वैलिडिटी बताती है आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी को, सही है, और सेकंड थिंग आपकी वैलिडिटी क्या बताती है कि जो आप मेजर करना चाहते हो क्या आप वही मेजर कर रहे हो। ये है आपकी वैलिडिटी, कि जो कुछ भी आप मेजर करना चाहते हो ना क्या आप वही मेजर कर रहे हो, वो है आपकी वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेट के स्टूडेंट पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप नेट के ही स्टूडेंट पे रिसर्च कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेई के और आपने यहाँ पर नीट के, बैंकिंग के सारे स्टूडेंट इकट्ठे कर लिए, तो ये तो आपकी वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। कि आपको जो रिजल्ट चाहिए या जो चीज आप मेजर करना चाहते हो क्या आप वही मेजर कर रहे हो। सेकेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हो गया एक्यूरेसी और सेकेंड हो गया आपका कि जो आप मेजर करना चाहते हो कि आप वही मेजर कर रहे हो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका वैलिडिटी। दो लाइनें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और अगर आपको इतना पता लग गया इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देख लो ओनली टू लाइन, कि एक तो एक्यूरेसी को बताएगी ये आपकी वैलिडिटी, सेकंड थिंग आपकी ये बताएगी आपकी कि हाँ जो आप मेजर करना चाहते हैं कि आप वही मेजर कर रहे हो, थर्ड थिंग ये बताएगी जो आपकी वैलिडिटी है ना वो ऑलवेज रिलायबल होती है। ठीक है, रिलायबल हो सकती है, बट जो रिलायबिलिटी है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही वैलिड हो। ठीक है, हमेशा ही वैलिड हो, और ये मैंने बताया हुआ है पहले भी क्लास में, जो मेरी क्लास को कंटिन्यू ले रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने रिलायबिलिटी मैंने पहले भी बताया है क्लास में। अब देखो बार बार फेल होना रिलायबिलिटी है, मीन्स कंसिस्टेंसी, RC, कंसिस्टेंसी, बार बार फेल होना रिलायबिलिटी है, बट क्या रिलायबिलिटी जो बार बार फेल हो रहा है क्या ये वैलिड है, यस या नो, क्या ये वैलिड है? 100% होना चाहिए नेट JRF, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी सिंपल रिजल्ट। हाँ, क्या ये वैलिड है? हिंदी में भी बताते हैं मुनिया जी, मैंने PhD फ्री चाहिए और JRF भी। अच्छा ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पी पढ़ा हुआ कुछ कुछ मेमोरीज में आ जाता है मैम। ओके ठीक है, नहीं है, ठीक है, बस यही सिंपल सा फंडा है। अब देखो जो वैलिडिटी है इसको हिंदी में बोला जाता है वैधता। वैधता का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी विधि द्वारा कोई चीज कितनी सटीकता से मापी जाती है। यदि कोई विशेष विधि वास्तव में उन सभी को मापती है जो वह दावा करती है और उत्पन्न परिणाम वास्तविक दुनिया के मूल्यों के साथ निकटता से संरेखित होते हैं तो वे विधि को वैध मानते हैं। ठीक है, वैधता, कोई चीज कितनी वैलिडिटी है कि जो आप मेजर करना चाहते हो, जो आप मापना चाहते हो कि आप एक्चुअली में वही माप रहे हो, कि आप एक्चुअल में वही मेजर कर रहे हो जो आप मेजर करना चाहते हो। ठीक है, और मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया कि वैलिडिटी होती है आपकी, कि वैलिड मान लो आपकी रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, आप बार बार फेल हो रहे हो तो ये कंसिस्टेंसी है, बट अगर आप पास हो गए तो ये आपकी कंसिस्ट, बार बार आप पास हो रहे हो या बार बार आपका नेट JRF हो गया तो ये रिलायबिलिटी में भी आएगा बार बार। ठीक है, नेट JRF और साथ के साथ वैलिडिटी में भी आएगा। क्लियर है सभी को? और एक चीज, एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो ये होता है ऐसे, ये है आपका गोल, और गोल क्या है आपका नेट JRF। ठीक है, ये इतना सही लिखा मैंने। अब मान लो आपका निशाना यहाँ लग रहा है तो इट मीन्स कि ये वैलिड है। अगर आपका निशाना यहाँ लगता है बार बार, ठीक है, तो ये रिलायबल तो है, ये रिलायबल तो है, बट ये वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि आपको तो ये वाला गोल चाहिए था, ये चाहिए था। एक गेम देखी होगी आपने, वो तीर सा होता है,
ठीक है, क्या कौन सी गेम बोलते होगे उसे, आई डोंट नो, मैंने कभी खेली भी नहीं है, बस मूवीज में देखी है मैंने। उसमें वो ऐसे करके उस तीर को मारते हैं, तो वो जो तीर सा होता है ना वो यहाँ बजना चाहिए, वो तीर कई बार यहाँ पे भी बजता है, यहाँ पे भी बजता है, यहाँ पे भी बजता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बजता है। तो जब यहाँ पे बजता है इट मीन्स की रिलायबल है, हम बोलेंगे कि हाँ ये रिलायबल है क्योंकि ये बार बार कंसिस्टेंसी के साथ वो तीर यहाँ बज रहा है। पर जब वो तीर यहाँ बजना शुरू हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वैलिड है। ठीक है, ठीक है जी, बताओ मुझे कौन सी गेम होती है वो, तारे नशना, तारे तारे निशाने पर, कौन सी गेम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम। अंकिता वेट वेट करो 1 मिनट, देखो हिंदी में कैसे बताया जाए आपको, इंग्लिश में तो बता रही हूँ इसीलिए। देखो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है रिसर्च में, कि जब एक जो रिसर्चर है ना वो रिसर्च कर रहा है सपोज, ठीक है, मान लो अंकिता आप हो और आप कर रहे हो रिसर्च, किस पे रिसर्च कर रहे हो आप, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट पे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो आपकी रिसर्च है ना वो कब वैलिड मानी जाएगी, वैलिड का मतलब होता है हिंदी में वैधता, ठीक है, आपकी जो रिसर्च है वो कब वैलिड मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने नेट जेआरएफ के स्टूडेंट पे रिसर्च करनी है, जो बच्चा बार बार नेट लेकर आ रहा है इट मीन्स कि वो वैलिड है, ठीक है, मीन्स वो वैलिड है क्योंकि आपने यही रिसर्च करना था कि कौन बच्चा बार बार या कौन बच्चा जो है वो नेट क्वालिफाइड कर गया। बट ऐसे भी बच्चे होंगे जो बार बार फेल हो रहे होंगे क्लास में, वो बार बार फेल हो रहे हैं, वो नेट जेआरएफ नहीं लेकर आ रहे हैं, तो वो रिलायबल हो जाएगा। रिलायबल का मतलब हो जाता है आपका रिलायबिलिटी, मिनट हिंदी में क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी को, मनोवैज्ञानिक अनुसार विश्वसनीयता, कि विश्वसनीयता तो है बट वो जो विश्वसनीयता है ना वो वैध नहीं है, मीन्स वो वैधता नहीं है। अभी समझ आ रहा है मुझे, तीर ताजी है, ओके, निशाना लगाना, हाँ निशाना लगाना है, ठीक है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है विश्वसनीयता, वैलिडिटी को बोला जाता है वैधता। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो आपका एक एग्रीमेंट है वो कब वैलिड होता है, जब दोनों पार्टी एग्री होगी, ठीक है, दोनों पार्टी एग्री होगी, जैसे कि आपका लीगल एस्पेक्ट में आपने पढ़ा होगा ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ठीक है, जब दोनों पार्टी एग्री होती है तो जो आपका एग्रीमेंट है वो वैलिड माना जाता है। बट अगर दोनों पार्टी में से एक भी बंदा मुकर गया तो वो जो आपका एग्रीमेंट होता है वो वॉइड हो जाता है, ठीक है, या फिर मान लो कोई कोई वो है 18 साल से कम है, ठीक है, तो फिर उसका जो एग्रीमेंट होता है वो भी वॉइड माना जाता है। वैलिड कब माना जाएगा, जब दोनों पार्टी एग्री है। तो यहाँ पर जो रिसर्च में वैलिडिटी है ये बता रहा है कि जो चीज आप मेजर करना चाहते हो अगर वही रिजल्ट आ रहे हैं इट मीन्स कि आपकी रिसर्च वैलिडिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को, जो चीज आप मेजर, आप नेट के स्टूडेंट को मेजर कर रहे हो और आप ये मेजर करना चाहते हो कि कितने बच्चों का नेट क्वालिफाइड हुआ इट मीन्स कि आप वैलिडिटी है। बट अगर बार बार बच्चा फेल हो रहा है तो वो वैलिडिटी में नहीं आएगा, वो रिलायबिलिटी में होगा। क्लियर है, कंसिस्टेंसी, बार बार कंसिस्टेंसी है फेल होने की, फिलर फॉर्म ऐप कोर्स की वैलिडिटी। जो चीज आप मेजर करना चाहते हो आप वही मेजर कर रहे हो जाएगी वैलिडिटी। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ये तो हमारा हो गया वैलिडिटी का टाइप्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनल एंड आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं, जो इंटरनल वैलिडिटी होती है आंतरिक, ठीक है, इंटरनल जो आपकी वैलिडिटी होती है ये आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताती है आपके कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को, ये आपको याद रखना है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताएगी आपकी इंटरनल वैलिडिटी। और मान लो कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम सैंपल पे रिसर्च करते हैं क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पे हम रिसर्च नहीं कर सकते, हम पूरी पॉपुलेशन में से क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं और सैंपल पर हम रिसर्च करते हैं। अगर हम सैंपल पे रिसर्च कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरनल वैलिडिटी हो जाएगा कि हाँ आपने जो सैंपल लिया है सिर्फ आप उसी पे रिसर्च कर रहे हो, तो इंटरनल वैलिडिटी हो जाएगा। पर जो आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है ना वो होती है आपकी जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो ना आप कहीं ना कहीं पूरी पॉपुलेशन को लेकर चल रहे हो अपने साथ, कि इंटरनली मीन्स सैंपल को, सैंपल के अलावा आप यहाँ से और भी ज्यादा पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हो, पूरी पॉपुलेशन पे आप अप्लाई कर रहे हो, जनरलाइजेशन कर रहे हो आप, तो वो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है आपका इंटरनल वैलिडिटी। और एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है जब आप पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो एक्सटर्नल।
मैम रिसर्च के प्रोसेस क्या होगा? रिसर्च का प्रोसेस करवाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस डिजाइन, और आप लोगों का लास्ट में रिपोर्टिंग हो जाएगा, डाटा एनालिसिस एंड आपका डाटा कलेक्शन। पहले डाटा कलेक्शन आएगा, फिर डाटा एनालिसिस आएगा, और फिर लास्ट में रिपोर्ट हो जाएगा। रिसर्च का प्रोसेस ये करवाऊंगी आपको डिटेल में। ये टॉपिक एक बार और समझा दो, इंटरनल वाला कि एक्सटर्नल वाला? मैम इंडिपेंडेंट कौन सा है? इंडिपेंडेंट आपका हमेशा रहता है जी कॉज, डिपेंडेंट आपका हमेशा रहता है इफेक्ट। देखो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको नहीं याद आएगा ना इंडिपेंडेंट कॉज मीन्स कि टीचर, टीचर एक कॉज है। अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो स्टूडेंट पे उसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ेगा, मीन्स स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये बनाया था हमने निमोनिक। कॉज आपका हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, और जो इफेक्ट है वो हमेशा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। ठीक है, ये कर चुके हम इंटरनल वाला। देखो इंटरनल जो वैलिडिटी है वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताएगा, क्योंकि जब मान लो टीचर और स्टूडेंट है, सिर्फ इन्हीं के रिलेशनशिप को बताएगा। जो हमने सैंपल लिया है, जो हमने वेरिएबल लिया है, सिर्फ ये उसी को ही बताएगा। पर जो आपका एक्सटर्नल है वो सब पर एप्लीकेबल होगा, टीचर स्टूडेंट के अलावा वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा एक्सटर्नल वैलिडिटी। समाज पर, लोगों पर, इधर उधर, मीन्स जनरलाइजेशन हो जाएगा। जो तो देखो आपका इंटरनल वैलिडिटी कॉज एंड इफेक्ट ओनली टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप बताएगा आपका। ठीक है, रिलेशनशिप नहीं मीन्स कॉज एंड इफेक्ट। बट जो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी है ये बोलेगा कि हम तो समाज को भी चेक करेंगे, आस पड़ोस को भी चेक करेंगे, हम सारी जगह पे एप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे हम सारी जगह पे। ये निमोनिक बना लेना, ठीक है, होल पॉपुलेशन पे। हाँ, जनरलाइजेशन का मतलब ही आपका होता है कि होल पॉपुलेशन पे अप्लाई करना, कि हम समाज को भी लेकर चलेंगे, बच्चे बूढ़े आस पड़ोस हम सबको लेकर चलेंगे। बट इंटरनल वाला बोल रहा है कि नहीं, ओनली टीचर एंड स्टूडेंट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये अपने दायरे में रहकर काम करेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, वेरी गुड। हिंदी में देख लेना एक बार, बाकी इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत अच्छा बता दिया आप लोगों को, पीडीएफ दे दूंगी, देख लेना एक बार। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो आपका मैनुपुलेशन होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में होती है? मैनुपुलेट किसको किया जाता है? टाइप ऑफ रिसर्च में मैंने कम से कम 10 बार बताई है ये बात। जो मैनुपुलेशन होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होती है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में होती है? एक्सटर्नल में नहीं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इंटरनल में आएगा कॉज एंड। हाँ इंडिपेंडेंट में होती है। गुड, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन देन आपके पीएचडी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बनता है, और आपके इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बनता है। जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो और इंटरव्यू देने जाते हो पीएचडी के लिए, तो क्वेश्चन बनता है कि मैनुपुलेशन इंडिपेंडेंट में की जाएगी कि डिपेंडेंट में की जाएगी, अगर वो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को पूछेंगे आपसे। तो अब देखो ये हो गया हमारा, विच द रिजल्ट ऑफ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड, ये है इसका कीवर्ड। टू अदर सेटिंग, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, पीपल पॉपुलेशन वैलिडिटी, मीन्स ये हर जगह अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको देख लेना। अब चलते हैं वैलिडिटी। बातें ठीक है, रिलायबिलिटी फिर एक साथ ही चलेगा। अब देखो जो हमारे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसा बनता है, जितना डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा कितना डिटेल में कोई टीचर पढ़ाता होगा। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, और तभी शायद हमारा ज्यादा टाइम लग जाता है, नहीं तो ऑलमोस्ट जो जैसे मैं भी कई बार यूट्यूब पे देखती हूँ क्लास है ना नेट जेआरएफ की, तो वो ओनली सिर्फ कीवर्ड बताते हैं। आज भी मैं देख रही थी कुछ क्लासे यूट्यूब पे, कि मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, ओनली कीवर्ड बता रहे थे कि वैलिडिटी क्या है, एक्यूरेसी आपकी मेजर बाय ये है बस। अब देखो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, अगर हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, मैंने लिया नहीं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी का, ये तो हमारी रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं, ये भी रिलायबिलिटी का है, रिलायबिलिटी का है। अच्छा करवाए नहीं फिर तो, हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को तो, सॉरी हिंदी वालों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। टाइप ऑफ वैलिडिटी आपकी कंटेंट रिलेटेड है, फेस वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। करवा दिया जाए, ये इंग्लिश में ही है कि रिलायबिलिटी को करते हैं, फिर इसका तो मेरे को हिंदी में बनाना पड़ेगा टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हिंदी वालों को, इसलिए हम चलते हैं रिलायबिलिटी पे। ठीक है, इसको फिर करेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को, इसका कंटेंट मुझे हिंदी में भी बनाना पड़ेगा, पीपीटी बनाने।
ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को इतना ही रखो कि हाँ कौन कौन सी टाइप्स आने वाली है, मीन्स एक ओवरव्यू सा हो गया आपके लिए, ठीक है, टाइप ऑफ वैलिडिटी में। और बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि टाइप ऑफ वैलिडिटी को और टाइप ऑफ रिलायबिलिटी को मिक्स कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इसमें से बताओ कि वैलिडिटी के टाइप कौन कौन से हैं, या फिर इसमें से बताओ कि आपके रिलायबिलिटी के टाइप कौन कौन से हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। साथ के साथ रिलायबिलिटी का मीनिंग भी पूछा जा सकता है या वैलिडिटी का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है मैम, हिंदी तो मैम दूर दूर तक याद नहीं रहती, सिर्फ इंग्लिश पॉइंट्स याद रहते हैं, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में बेस्ट होगा, एग्जाम में बेस्ट होगा। अब मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने बिना पढ़े एग्जाम दिया है फिर भी मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ है, क्यों हुआ है मैं सच बता रही हूँ ये बात। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चलो है, थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं मैं बोलती कि हम बिल्कुल ही एक्सपर्ट है, थोड़ा बहुत हर एक इंसान पे रहता है, क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ाई करते तब तक नहीं आता कुछ भी, ठीक है है, पर थोड़ी बहुत है। बट मेरा क्या था कि की वर्ड की वजह से मेरा हुआ है, और एजुकेशन मतलब पढ़ी थी चीजें पहले से, इसलिए मेरा नेट हुआ, और वो भी बिना पढ़े। रियली मैं बता रही हूँ, मैंने कॉमर्स को टच तक नहीं किया था। मार्च में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, 15 मार्च से लेकर, ठीक है, जून में एग्जाम हुआ और मैंने कॉमर्स छुआ तक नहीं था, जैसे बोलते ना छूना देखना, देखा तक नहीं था कॉमर्स, और उसी में मेरा 90 परसेंटाइल आ गया था, 90 से अबव ही था मेरा, 96 परसेंटाइल था कॉमर्स में। और क्यों था ये, क्योंकि कीवर्ड पे काम किया मैंने बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, जो भी आपको लैंग्वेज, देखो आपके पास बोथ लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी वाले इंग्लिश में नहीं कर सकते, इंग्लिश वाले हिंदी में नहीं कर सकते। जो आपकी सरोज मैम है ना, वो देखो हिंदी मीडियम है, बट वो भी बोथ लैंग्वेज को यूज करते हैं पेपर वन में, हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखो रिलायबिलिटी रिसर्च ये तो ठीक है, द टर्म रिलायबिलिटी इन साइकोलॉजिकल रिसर्च रेफर टू कंसिस्टेंसी, कीवर्ड बस, और ये मैंने बता दिया कि कंसिस्टेंसी कौन सी है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि रिलायबल जो है ना चीजें, विश्वसनीयता जो है वो हमेशा ही, वो क्या होगा कि वो हमेशा कंसिस्टेंसी होगी, मीन्स कि बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा है, बार बार आपका सेम ही रिजल्ट आ रहा है, बार बार सेम ही रिजल्ट आ रहा है, बट जरूरी नहीं है कि वैलिड होगा ये। और एक चीज, वैलिडिटी जहां पर है इट मीन्स कि यहाँ पर रिलायबिलिटी भी है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बना ये क्वेश्चन। जो आपकी रिलायबिलिटी है वो हर टाइम वैलिड नहीं हो सकता, लो काटा, बट जो आपकी वैलिडिटी है वो आपकी रिलायबल हो सकती है। क्लियर है, ये कंसेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्टार, अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ पे भी वो इंटरनल रिलायबिलिटी असेस द कंसिस्टेंसी रिजल्ट आइटम विद इन अ टेस्ट, विद इन अ टेस्ट, ठीक है, इटसेल्फ, या कि इंटरनल रिलायबिलिटी और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी आपकी जनरलाइजेशन को बताएगी, सेम एज इट इज वैसे, ठीक है, ये सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और ये सिर्फ इंटरनल रिलायबिलिटी को चेक करेगा, कॉज एंड इफेक्ट को चेक करेगा। हिंदी में देख लेना, आंतरिक विश्वसनीयता और आपका बाहरी विश्वसनीयता है, कि परीक्षण के भीतर वस्तुओं में परिणामों की निरंतरता का आकलन करता है, भीतर की वस्तुएं, ठीक है, भीतर के जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट आपका भीतर का वेरिएबल है एक तरह से, टीचर एंड स्टूडेंट, जैसे कि इसका निमोनिक ये बना लेना कि टीचर एंड स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है कहीं ना कहीं वो इंटरनल रिलेशनशिप होता है। अब अगर हम बाहर चले जाए, समाज में चले जाए, लोगों से बातचीत करेंगे, तो हमारा उनके साथ इंटरनल रिलेशनशिप नहीं होगा, हमारा उनके साथ एक्सटर्नल होगा। जैसे कि मान लो आपकी फैमिली है, तो फैमिली के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है, बट बाहर के लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप रहता है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, तो ये इसका निमोनिक बना लेना। मीन जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि आप होल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हो, बट जो आपका इंटरनल रिलायबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि जो आपने सैंपल लिया ना रिसर्च में से, सिर्फ आप उसी पे ही अप्लाई कर रहे हो जो आपके पास सैंपल अवेलेबल है, ठीक है, और ज्यादातर जो आपकी रिसर्च होती है वो हमेशा सैंपल पे होती है, कभी आपके होल पॉपुलेशन पे नहीं होती, होल पॉपुलेशन में से सैंपल लिया जाता है फिर रिसर्च की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, पीएचडी का अगर आप इंटरव्यू दोगे या रिसर्च प्रपोजल बनाओगे, जो आपकी रिसर्च होती है ज्यादातर वो सैंपल पर ही होती है, होल पॉपुलेशन को कोई भी रिसर्च नहीं कर सकता, इतना मीन्स इतना इतनी चीजें नहीं रिसर्च हो पाती, थोड़ा सा सैंपल लेना पड़ता है, फिर वहां से आइडिया लेना पड़ता है चीजों का। ओके जी, हाँ, बार बार आप एक ही टेस्ट दे रहे हो, बार बार आप एक ही चीज को चेक कर रहे हो, रिलायबिलिटी आ जाएगा, या फिर बार बार आपके सेम रिजल्ट आ रहे हैं, रिलायबिलिटी आ जाएगा, बट जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ना वो वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी,
इंटरनल हमने बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एक्सटेंड टू विच अ मेजर इज कंसिस्टेंट विद इन इट सेल्फ, ये वाला की वर्ड है विद इन इट सेल्फ। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछे गया है, और एज इट इज यही विद इन इट सेल्फ, तो ये तो नाम से क्लियर हो रहा है इंटरनल विद इन इट सेल्फ, और एक्सटर्नल हो जाएगा वेरियस फ्रॉम वन यूज टू अनदर, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ये की वर्ड है। टेस्ट रीटेस्ट ये बताऊंगी अभी, हिंदी वालों को भी बताना है क्योंकि इंटरेटर ये भी बताऊंगी अभी। स्प्लिट हाफ यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हैं और जो आपकी टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे एज अ फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या समझते हो कि एज इट इज याद करना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में कौन कौन से टाइप आने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में कौन कौन से टाइप आने वाले हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि या तो इसमें से रिलायबिलिटी के टाइप निकालो बाहर या फिर वैलिडिटी के टाइप निकालो बाहर, इस तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मैम सेंसस वर्सेस सैंपल के रिगार्डिंग पॉइंट क्लियर कर दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूज। सेंसस होता है आपका जब आप होल पॉपुलेशन को कंसिडर करते हो ना, तो वो हो जाता है सेंसस, और सेंसस आपका ज्यादातर सर्वे में होता है, ठीक है। सर्वे में क्या होता है कि आपको होल पॉपुलेशन को कंसिडर करना होता है। जब आप सर्वे कर रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारे, जैसे मान लो हम इंडिया का सर्वे कर रहे हैं कि इंडिया में कितने लोग हैं, तो आपको सभी लोगों को लेना पड़ेगा, आपको होल पॉपुलेशन को लेना पड़ेगा। पर जो आपका सैंपल होता है ना, सैंपल में हम होल पॉपुलेशन को नहीं लेते, सैंपल में हम पॉपुलेशन के सब पार्ट्स को लेते हैं, ठीक है। क्लियर है अभिज्ञान मिश्रा जी? सेंसस आपका ज्यादातर कंसिडर करता है सर्वे, मीन्स ये रखो आप सेंसस के साथ आपका सर्वे आ जाएगा, सेंसेस के साथ आपका सर्वे आ जाएगा, ठीक है जी। अभी ज्ञान मिश्रा जी क्लियर है? ओके। सेंसेस आपका सर्वे के लिए ज्यादातर किया जाता है, होल पॉपुलेशन को जब हमें लेना होता है तो सेंसेस हो जाएगा। जैसे कि क्लास में मान लो सपोज एक निमोनिक बनाती हूँ, एक टीचर है उसने सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, सारे स्टूडेंट से, ठीक है, सेंसस आ गया। बट एक टीचर है उसने क्या किया कि उसने ना सिर्फ 10-12 स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे, ये चेक करने के लिए कि जो क्लास में बच्चे वो इंटेलिजेंट है कि डफर है कि डम्प है कि इनको आता ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो सैंपल आ गया, सिर्फ 10-15 बच्चों को उसने लिया। जैसे कि मान लो एक यूनिवर्सिटी है, तो एक यूनिवर्सिटी को जब ग्रेड दिए जाते हैं तो काफी चीजें चेक की जाती है, तो ऐसा नहीं कि पूरे स्टूडेंट को चेक करेंगे, वो कुछ कुछ स्टूडेंट को चेक करेंगे, रैंक होल्डर्स को चेक करेंगे, इस तरह से। ओके, वैलिडिटी होगी तो रिलायबिलिटी आ ही जाती है। हाँ वेरी गुड, रिलायबिलिटी है तो वैलिडिटी होगी ही, ऐसा नहीं है। हाँ कि मतलब रिलायबिलिटी होगी तो वैलिडिटी, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली होगी। वैलिडिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट जो वैलिडिटी है वो हमेशा आपकी 100% हो जाएगी। रिलायबिलिटी में ऐसा रहेगा कि आपकी वैलिडिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपकी। प्रोबेबिलिटी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जहां पे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको, कि मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, अभी याद नहीं आ रहा। अब देखो टाइप्स ऑफ आपका रिलायबिलिटी, ये मैंने खुद आपके लिए पीपीटी बनाई है। ये क्यों बनाई है मैंने, क्योंकि आपका मैच द फॉलोइंग में सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो ये देख लेना एक बार, बाकी मैं अभी आगे पढ़ाती हूँ, ये मैच कर लेना, ठीक है। द सेम टेस्ट ओवर टाइम, इंटररेटर यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट रेटर हो जाएंगे, पैलर फॉर्म यहाँ पे सेम टेस्ट चल रहा है, ठीक है, नहीं टू टेस्ट चल रहा है सेम थिंग को चेक करने के लिए, और इंटरनल कंसिस्टेंसी द इंडिविजुअल आइटम ऑफ अ टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने ये पीपीटी बनाई है, और खुद से बनाई है मैंने ये पीपीटी, ठीक है। तो इसको देख लेना जब पीडीएफ सेंड करूंगी, तो अभी चलते हैं हम इसके टाइप्स पे। रेडी हो? सच में सुपर क्लास, में मजा आता है पढ़ने में मैम आपके, एक बार जरूर मिलूंगी, माई लव यू। ओके राखी मिश्रा जी, डेफिनेटली मिलेंगे अगर हम भी आए वहाँ आपके एरिया में, तो मे बी और मे नॉट बी, वेरी गुड वेरी गुड मोहम्मद जी, यस मे बी और मे नॉट बी हो जाएगा आपका रिलायबिलिटी, बट आपका 100% जो श्योरिटी को बताएगा वो हो जाएगा आपका वैलिडिटी। वेरी गुड मोहम्मद जी, मैम आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है। अच्छा जी, चलो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों की वजह से है हम। देखो अब स्प्लिट हाफ मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब प्लीज कंसेप्ट पे आएंगे सभी, फोकस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी आपको पता होना चाहिए, मिक्स करके पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, तब मत बोलना। और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आपको एज इट इज पता होना चाहिए, जो भी मैं करवाऊंगी, जैसे कि आपका
कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गया, फेस वैलिडिटी हो गया, कंकरेंट वैलिडिटी हो गया, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हो गया, ये सारा आपका हो जाएगा वैलिडिटी के टाइप्स, और ये मिक्स कर दिए जाते हैं रिलायबिलिटी में। अभी जो जून में एग्जाम हुआ है, ठीक है, जून में ऐसे क्वेश्चन बने थे जो वैलिडिटी के टाइप थे वो रिलायबिलिटी के साथ मीन्स की ए बी सी डी ई एफ जी करके मिक्स कर दिए थे, और फिर पूछा था कि वैलिडिटी के टाइप बताओ या फिर रिलायबिलिटी के टाइप बताओ, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, आप अच्छे हो तो आपके पास अच्छे और बुरे दोनों लोग आ जाते हैं, वैलिडिटी लेने में आप अगर बुरे हैं तो आपके पास बुरे लोग। अब देखो स्लिप स्प्लिट हाफ, तो आपको आधा भाग विधि आपको यहाँ पे लग रहा होगा, हिंदी में तो क्लियर है, इंग्लिश में भी क्लियर है, मीन्स कि जब आप टेस्ट कर रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप एक टेस्ट को ना दो भागों में डिवाइड कर देते हो, और फिर आप चेक करते हो कि ये यहाँ पे कितने पास पास इनके रिजल्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, मैंने उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट को, और मैंने उसका टेस्ट लिया, उसका IQ का टेस्ट लिया, और इससे मिलता जुलता मैंने उसका एक और टेस्ट लिया, फिर मैंने कंपेयर किया कि दोनों में क्या सेम रिजल्ट आ रहे हैं। अगर तो सेम रिजल्ट आएंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, मेरा दोनों भाग जो मैंने किए अगर तो मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, करेंगे सभी रिप्लाई, दो भाग में डिवाइड कर देना किसी टेस्ट को जो भी मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। मैम आपकी कोई भी क्लास बोरिंग नहीं लगता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। कंपैरिजन सेम, यस, रिलायबिलिटी होना चाहिए। अगर तो मेरे टेस्ट सेम आ गए इट मींस कि ये रिलायबल है, और अगर मेरे टेस्ट सेम नहीं आए इट मींस कि ये रिलायबल नहीं है, करो जिसको कैंसिल। ठीक है, मीन्स IQ लेवल और इससे मिलता जुलता बता दो कुछ भी, इंटेलिजेंस ही इंटेलिजेंट ऐसा करके। ठीक है, अगर तो मेरे ये सेम आ गए दोनों, मीन्स 10% IQ लेवल आ गया, 10% ही मेरा आपका इंटेलिजेंट वो है वो, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये फिर क्या हो जाएगा, मेरा सेम सेम रिजल्ट आ गया, आपका रिलायबिलिटी हो जाएगा। अब सिंपल क्या याद रखोगे आप यहाँ पे कीवर्ड, द स्प्लिट हाफ, वैसे तो नाम से क्लियर हो जाएगा, एक टेस्ट को दो भागों में डिवाइड कर देना, ये इसलिए मैं यहाँ पे इमेज बार बार बना रही हूँ, देख लो, क्योंकि कुछ चीज ऐसा होता है हम देख के अंडरस्टैंड करते हैं। ये है एक लाइन और इसको मैंने दो भागों में बांट दिया यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगी और मुझे सेम रिजल्ट चाहिए तभी रिलायबिलिटी होगी। स्प्लिट हाफ मेथड असेस द इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करेगा, ये एक तो ये कीवर्ड रहेगा यहाँ पे, आपसे क्वेश्चन बन सकता है एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, जो एनटीए वाले हैं वो क्या कंफ्यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल दे सकते हैं, बट ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करेगा जी। ठीक है, ऑफर टेस्ट सच एज साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड क्वेश्चनरीज, देयर इट मेजर द एक्सटेंट टू विच ऑल पार्ट्स पार्ट्स, ये भी पूछ सकता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना, मैथ्स पर फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन बने हैं, विच ऑल पार्ट्स ऑफ द टेस्ट कंट्रीब्यूट इक्वली टू व्हाट इज बीइंग मेजर्ड, कि जो भी हमने पार्ट में डिवाइड किया है उसके जो रिजल्ट है वो इक्वली आने चाहिए हमारे पास, सेम रिजल्ट। स्प्लिट हाफ पद्धति एक परीक्षण की आंतरिक कीवर्ड का आकलन करती है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, प्लीज याद रखना, और ज्यादातर जो आपकी रिलायबिलिटी होती है ना वो इंटरनल में ही ज्यादातर कंसिडर करती है। ठीक है, अब देखो जैसे साइक्रोमोट्रिक परीक्षण और प्रश्नावली, वहां यह सीमा को मापता है जिस तक परीक्षण के सभी भाग मापे जाने में समान रूप से योगदान करते हैं। ठीक है, सेम रिजल्ट आने चाहिए, सेम योगदान होना चाहिए, क्लियर है। स्क्रीन ऑफ मोबाइल कंपैरिजन सेम, हाँ, निमोनिक बना लिया करो साथ के साथ ही ना, और निमोनिक से पता क्या रहता है, चीजें बहुत जल्दी याद रहती है, और साथ के साथ कीवर्ड भी बना लिया करो। अगर आपको मेरे कीवर्ड सही नहीं लगते अपने कीवर्ड बनाओ, वैसे तो मेरे ही सही है क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ओके, डिवाइड टू पार्ट, हाँ, गिव सेम रिजल्ट, शो इंटरनल कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। इस तरह से ही नोट्स बनाने होते हैं, वैसे तो नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें इजी इजी चीजें हैं, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो, फिर भी नहीं समझ आता फिर नोट्स बनाया करो। तो अपने टाइम में बहुत कम नोट्स बनाती थी पर पढ़ती बहुत थी, ये आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे, खुद पढ़ लेना इसको, ये इजी है। अब देखो टेस्ट रीटेस्ट वैलिडिटी, द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं सॉरी सॉरी रिलायबिलिटी, द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन यू रिपीट द सेम टेस्ट कीवर्ड। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, डिफरेंट टेस्ट दे देता है आपको फंसाने के लिए, बट टेस्ट रीटेस्ट में कौन सा आ जाएगा, सेम टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑन द सेम सैंपल एट द डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, ये एज इट इज लाइन बहुत बार एग्जाम में उठ के आई है, इससे बार क्वेश्चन नहीं बनते जी यहाँ से,
इसीलिए मैं ये डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। जो मैंने अंडरलाइन किया इसको लिख लेना। यू यूज इट व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट टू स्टे कॉन्स्टेंट इन योर सैंपल। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सेम टेस्ट है ना वो बार बार दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैं करती हूँ पी वाई क्यूज। अब पी वाई क्यूज आपको पता है सेम है, ठीक है, 2018 का पी वाई क्यू है तो वो सेम है। 2018 के पी वाई क्यू मैंने लगाई होंगी कम से कम 5 टाइम। तो यहाँ पे क्या है, सेम टेस्ट सेम सैंपल एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। अब देखो अगर मान लो मुझे अभी भी जेआरएफ के लिए तैयारी करनी होगी, तो वैसे तो मैं मेरा है नहीं कि मैंने जेआरएफ के लिए करनी है, बट ये है कि हाँ एग्जाम देती रहूंगी, पर अभी ये है कि मेरा पढ़ाने पर ज्यादा फोकस है। क्योंकि अगर मुझे जेआरएफ करना है तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 10 यूनिट पढ़नी होगी। अभी तो मेरे पास 5 यूनिट है, ओनली 5 यूनिट आपको पढ़ाना है। और अगर मान लो मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ तो सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट मिलते हैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो मुश्किल हो जाता है। जेआरएफ करने के लिए 10 यूनिट पेपर 1 की पढ़नी होती है, 10 यूनिट पेपर 2 की पढ़नी होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। निकाल तो सकते हैं जेआरएफ, कर तो लूंगी वैसे, बट टफ हो जाएगा थोड़ा सा मेरे लिए। तो अभी तो मैंने मेन फोकस करना है कमाने पर भाई। ओके तो अब देखो यहाँ पे, अब मान लो कि सपोज मैंने अगर जेआरएफ के लिए करनी है तैयारी 2018 में, मान लो कि 2018 के पीवाईक्यू मैंने लगाए हैं, बहुत बार लगाए, ठीक है, 2020 में भी लगाए, 2021 में भी लगाए, और 2022 में नहीं लगाए मैंने, कुछ नहीं किया 2022 में, सिर्फ पढ़ाया ही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो कि 2023 में भी अगर मैं पीवाईक्यू लगाती हूँ तो सेम है ना, सेम टेस्ट है, बट क्या हुआ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम हो गया। 2020 में डिफरेंट था, 22 में डिफरेंट था, 23 में डिफरेंट था, ठीक है। तो सेम टेस्ट ऑन द सेम सैंपल एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। सम टाइम क्या होता है कि हम स्टूडेंट को चेक करते हैं, ठीक है, उसके हम चेक करते हैं। तो मान लो हम सेम टेस्ट देते हैं उसको आज, फिर हम सेम टेस्ट देंगे उसको 1 2 महीने बाद। जैसे कि मैं आपसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं बार बार पूछती रहती हूँ और वो सेम सेम चीज होती है, बट क्या होता है डिफरेंट पॉइंट इन टाइम में पूछती हूँ, फिर मैं आप चेक करती हूँ कि आपको आता भी है, आपको याद भी है, कहीं भूल तो नहीं गया आप। हाँ, स्प्लिट हाफ में जो टेस्ट है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो टेस्ट रीटेस्ट है सेम टेस्ट को डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। टेस्ट रीटेस्ट नाम से क्लियर है, टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट को ही दोबारा रीटेस्ट किया, मीन्स सेम टेस्ट था बट डिफरेंट टाइम पे लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सेम टेस्ट। निरंतरता को मापती है जब आप एक ही नमूने पर एक ही परीक्षण को एक अलग बिंदु पर दोहराते हैं, जैसे थर्मामीटर में हम करते हैं ना, जब हम टेस्ट करते हैं किसी का फीवर चेक करते हैं, ठीक है, तो पहले भी हमारा 103 आ रहा है, फिर 102 आ रहा है, ऐसे ऐसे करके, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हम चेक करते हैं सेम टेस्ट को कि अभी तक बुखार है कि उतर चुका है, चढ़ गया कि क्या हुआ है, ठीक है, बुखार उतर गया कि उतना ही है। कई बार क्या होता है कि हमने चेक किया, मैंने 102 बुखार है मॉर्निंग में, दिन में चेक किया 102 बुखार है, शाम को चेक किया 102 बुखार है, टेस्ट तो मेरा सेम रहा पर टाइम मेरा डिफरेंट डिफरेंट रहा, ठीक है। तो ये निमोनिक बना लेना, थर्मामीटर वाला। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। ओ वेरी गुड नेहा जी, आप कॉलेज में पढ़ाते हो, कैसा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं ऑफलाइन का, मुझे नहीं पता, बट मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ है। रियली मैं सबको ये बात बोलती हूँ कि बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा आप लोगों के साथ, बहुत ज्यादा बेस्ट, फर्स्ट डे से ही। अब देखो टेस्ट रीटेस्ट हो गया, यहाँ पर आप लोगों का मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको कर लेना अपने आप से, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देख लेना इसको ना, टाइम लग जाएगा इसमें, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। और लाइन तो हिंदी में भी अंडरलाइन कर दूँ एक बार। मापती है जब आप एक ही नमूने पर एक ही परीक्षण को एक अलग बिंदु पर दोहराते, ये वाला कीवर्ड है, हिंदी वाले भी देख लो, ठीक है, कीवर्ड है ये वाला आप लोगों का। अच्छा है मैम, ओके ठीक है जी। अब है इंटररेटर, इंटररेटर रिलायबिलिटी। पेन क्यों नहीं चल रहा? इंटररेटर रिलायबिलिटी क्या होता है कि जब आपके डिफरेंट डिफरेंट रेटर और सेम टेस्ट को वो चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रियंका मैम, फॉर एग्जांपल आपके जीतू सर, फॉर एग्जांपल आपके मंजू मैम। अब हम क्या करें, सेम स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, मान लो कि मैंने चेक किया आप लोगों को, मैंने आप लोगों पे रिसर्च करी, जीतू सर ने भी आप लोगों पे रिसर्च करी और मंजू मैम ने भी आप लोगों पे रिसर्च करी। अगर तो हमारे रिजल्ट सेम आया, मैंने बोला कि मेरे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज्यादा मीन्स पढ़ाई करते हैं और बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत बेस्ट है और मीन्स सीरियस है मीन्स अपनी पढ़ाई के लिए, जीतू सर ने भी बोला हाँ सही बात है, मैंने भी चेक किया था, स्टूडेंट सच में सीरियस है, मंजू मैम ने भी बोला कि हाँ स्टूडेंट सच में सीरियस है, तो रिजल्ट क्या है, हमारे सेम रिजल्ट आया, इट मीन्स कि रिलायबल है। बट अगर मान लो मैंने बोला कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे है, बेस्ट है, सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए, जीतू सर ने बोला नहीं, बहुत ज्यादा शरारती है, बदतमीज है या कुछ भी समथिंग, ठीक है, और मंजू मैम का कुछ और ही था कि आलसी है या कुछ भी, पढ़ते नहीं है या
या कुछ भी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ गया ना, इट मीन्स कि रिलायबल नहीं है। तो इंटर रेटर का क्या होता है, इंटर मतलब इंटर रेटर के डिफरेंट डिफरेंट रेटर जो होगा वो टेस्ट करेगा, या फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट, मान लो एक रिसर्चर है प्रियंका, एक रिसर्चर है जीतू और एक रिसर्चर है मंजू, ये तीनों एक किसी टॉपिक पे रिसर्च करेंगे या किसी बंदे पे रिसर्च करेंगे, और फिर वहां से वो रिजल्ट जो भी आएगा तो वो चेक करेंगे क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, अगर डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है तो रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो क्या होता है कि जो थ्योरीज बनी होती है, ठीक है, मान लो तीन चार लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उस थ्योरी पे, वो सेम रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास भी सेम, आपके पास भी सेम, जैसे कि मान लो रिलायबिलिटी है, तो रिलायबिलिटी मुझे पता है कंसिस्टेंसी है, ठीक है, मैंने रिसर्च करा पूरी तरह से रिलायबिलिटी क्या क्या होती है, तो मेरे पास रिजल्ट आया जो रिलायबिलिटी है वो कंसिस्टेंसी को बताती है, आपके पास भी यही सेम रिजल्ट आया जो रिलायबिलिटी है वो कंसिस्टेंसी को बताती है विद आपने प्रूफ बता दिया, और जो तीसरा बंदा है वो भी सपोज रिसर्च कर रहा है रिलायबिलिटी पे, ठीक है, और उसने भी बताया कि हाँ जो रिलायबिलिटी है वो कंसिस्टेंसी को बताती है विद प्रूफ बता दिया, इट मींस कि आपके सेम रिजल्ट आ गए, डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑब्जर्वर्स बोल लो, रिसर्चर्स बोल लो, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, सेम रिजल्ट आ गए, इट मींस कि आपकी इंटर डेटा रिलायबिलिटी होगी, यहाँ पे तीन चार लोग काम करेंगे, ये एग्जाम्पल दिया मैंने प्रियंका जीतू एंड आपका मंजू मैम, ठीक है। कैसे हुआ मैम, मैम मेरे प्रश्न पत्र में कितना नंबर लाना होता है और द्वितीय में कितना, मैं फर्स्ट फॉर्म भरने जा रही हूँ तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, मुझे क्या इसमें भी नंबर काटे जाए, कौन सा प्रथम प्रश्न पत्र, पेपर वन और पेपर टू की बात कर रहे हो आप? हाँ भी ज्ञान मिश्रा ने बता दिया, वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर वन में, बस ये कि पेपर वन आपको ना JRF दिला देता है कहीं ना कहीं, अगर आपकी पेपर वन में कमांड अच्छी हो तो, पेपर वन में अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं तो JRF आने के ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर वन के अकॉर्डिंग, तो मैं सबका ज्यादातर मानना यही है, जितनी भी अभी तक मैंने भी जो रिसर्च करी है कि जो आपका JRF आने के चांसेस रहते हैं वो ज्यादातर पेपर वन से रहते हैं, अगर आपके पेपर वन में अच्छी परसेंटाइल आ गई, मीन्स 90 80 की, 90 सॉरी 80 तो नहीं, 90 परसेंटाइल आएगी आपके पेपर वन में, तो कहीं ना कहीं JRF के चांसेस बढ़ जाते हैं, और पेपर टू में भी आपकी 90 परसेंटाइल आ गई तो JRF के चांसेस है, बट अगर आपके पेपर टू में 90 परसेंटाइल है, पेपर वन में आपके वही 50 60 या 70 80 परसेंटाइल है, तो नेट ही होता है सिर्फ, जैसा कि मेरे साथ हुआ इस बार, पेपर वन में मेरी बहुत कम परसेंटाइल थी, शायद 50 की 60 थी, क्योंकि पेपर वन मैंने वैसे भी नहीं पढ़ा, पढ़ा तो पेपर टू भी नहीं था, पर प्रैक्टिस नहीं थी मेरी पेपर वन की बिल्कुल भी, तो मेरा नेट ही हुआ था, फिर पेपर वन की वजह से अगर मेरे पेपर वन में अच्छी परसेंटाइल आ जाती, 90 जैसे मेरी 90 आई थी पेपर टू में, और 90 अगर मेरी पेपर वन में आ जाती तो JRF हो जाना था फिर। मैम पहले मेरी सिस्टर का जुनून था कि वो कॉलेज में पढ़ाए, और अब वो पढ़ा रही है तो बोलती है मेहनत बहुत है, हाँ मेहनत तो है, वही निचोड़ देती है ये स्टडी ना आपको, 35 होता है, हाँ ठीक है, अभी इंटर रेटर समझ आ गया ना रिलायबिलिटी, अब प्लीज टाइम वेस्ट ना करो, हमें कवर करना है टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, कम दिन रह गए, दिसंबर में एग्जाम है, क्या करोगे? अब देखो पैरेलल फॉर्म, और इसके ना डिफरेंट डिफरेंट नेम है, प्लीज लिख लेना, अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड, मैं लिख लेती हूँ आप लोगों के ना, अगर पहले ना दिया हो अल्टर, अल्टरनेटिव आपका फॉर्म मेथड, और साथ के साथ एक और नेम है इसका इक्विलेंट फॉर्म, और ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है बहुत बार, इक्विलेंट, ये इक्विलेंट जो है ये कीवर्ड है, ठीक है, जब आपसे टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल ए होगा आपका टेस्ट रीटेस्ट, बी हो जाएगा आपका इंटर रेटर, सी हो जाएगा आपका पैरेलल फॉर्म, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दी होगी 1 2 3, ठीक है, तो ये कीवर्ड काम करेंगे उस टाइम, सेम टेस्ट डिफरेंट टाइम ऐसा दिया होगा, सेम टेस्ट डिफरेंट टाइम, तो आपको मैच करना होगा कि ये तो टेस्ट रीटेस्ट है, और टू रेटर ऐसा करके दिया होगा कुछ, टू रेटर तो मतलब इंटर रेटर हो जाएगा या टू रिसर्चर, स्प्लिट हाफ में ऐसा करके दिया होगा कि टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना या फिर हाफ कर देना, तो वो स्प्लिट हाफ के साथ डिवाइड हो जाएगा, और पैरेलल फॉर्म में आपको इक्विलेंट दिया होता है कहीं ना कहीं, इक्विलेंट। अब बताती हूँ मैम, इसी में लिख दीजिए, PDF में देख लेंगे, PDF में नहीं आएगा ये ना, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि PDF मुझे इरेज करके देनी पड़ती है, आप लोगों को ऐसे नहीं दे सकते PDF, अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड लिख लेना और इक्विवेलेंट फॉर्म।
750 होगी, डिफरेंट पेपर डिफरेंट टेस्ट सेम टाइम। हाँ जी इंटरेटर हो जाएगा आपका। नहीं एक मिनट, ये तो पूरा बताना पड़ेगा आपको ना। सेम पर्सन एट अ डिफरेंट टाइम इज इवेल्युएटेड इन टेस्ट रीटेस्ट। इंटररेटर होगा सेम एग्जाम डिफरेंट पर्सन, लिख लो। और पैरेलल फॉर्म या अल्टरनेट फॉर्म या इक्विवेलेंट हो जाएगा, डिफरेंट टेस्ट इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट पीपल एट सेम टाइम। इंटरनल कंसिस्टेंसी लिख ही देती हूँ मैं आप लोगों को ना, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, लिख के देती हूँ ठीक है। और भी मुझे ढूंढने दो, कहीं मुझे और बेस्ट मिलता है तो। मैं लिख के देती हूँ आपको, बहुत इजी हो जाएगा, बस हिंदी वालों को रहेगा थोड़ा सा यार। मैम प्लीज रिपीट करिए ये टॉपिक। हाँ बस कर रही हूँ मैं। अब देखो पैरेलल फॉर्म बता देती हूँ ना, फिर लिख के देती हूँ आप लोगों को। हाँ इतना ही है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब देखो जो पैरेलल फॉर्म है यहाँ पे क्या होता है ना, कि दो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट ये है एक टेस्ट ये, और ये दोनों एक साथ चल रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये 10th का टेस्ट चल रहा है और ये 12th का टेस्ट चल रहा है और एक साथ ये चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे सेम थिंग को चेक करना है। नहीं, सॉरी सॉरी, ये 10th का टेस्ट है बट सीरीज ए है और सीरीज बी है, ये होता है पैरेलल फॉर्म। 10th में जब आपने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं ठीक है, सेम टाइम पे चलती है सीरीज ए सीरीज बी सीरीज सी, तीन सीरीज होती है ना। अब मुझे सेम यहाँ पे रिलायबिलिटी को चेक करना है ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है चाहिए, कि मान लो ए से भी मुझे रिजल्ट चाहिए, बी से भी चाहिए, सी से भी चाहिए, और सेम चाहिए। सेम क्या चाहिए, पास होने चाहिए भी सारे ठीक है। ये रहता है आप लोगों का पैरेलल फॉर्म, दो टेस्ट है सेम टाइम पर चल रहे हैं, बट आप लोगों का क्या है सेम थिंग को चेक करना है यहाँ पर। और इक्विवेलेंट, डिफरेंट टेस्ट इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट पीपल एट सेम टाइम। एक मिनट, डिफरेंट टेस्ट इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट पीपल एट सेम टाइम। हाँ ठीक है, सही है सही है। जो मैंने बोला, मान लो ये है 10th, ये बोल रहा है, सुनना मेरी बात को ध्यान से प्लीज, डिफरेंट टेस्ट, शॉर्ट में लिखती हूँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट हो गया और डिफरेंट पीपल हो गया और आपका सेम टाइम हो गया पैरेलल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलल का मतलब होता है कहीं ना कहीं दो चीजें ठीक है, आपको पता होगा पैरेलल दो चीजें होती है, या फिर अल्टरनेट क्या होता है कि दो चीजें होती है कहीं ना कहीं। इक्विलेंस क्या होता है, जब दो चीजें एक साथ चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 10th के स्टूडेंट है ठीक है, ए सीरीज वाले और बी सीरीज वाले, जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे होंगे वो स्टूडेंट यहाँ नहीं होंगे, जिनको ए सीरीज मिली है उनको बी नहीं मिल सकती, जिनको बी मिली है उनको ए नहीं मिल सकती। ये तो हो गया आपके डिफरेंट पर्सन ठीक है, और डिफरेंट टेस्ट हो गया, क्योंकि ए सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे, बी सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे, ऐसा नहीं कि सेम सेम क्वेश्चन दिए जाएंगे ए और बी सीरीज को, डिफरेंट टेस्ट हो गया क्लियर है। और सेम थिंग को हम यहाँ पे सेम टाइम क्या होगा कि जो टेस्ट, अब जब आपके देखो 10th के हम एग्जाम देते थे बोर्ड के एग्जाम, तो ए बी सी तीन सीरीज होती थी और तीनों सीरीज के लिए सेम टाइमिंग रहती थी एग्जाम की, कि 10 से 12 एग्जाम है तो सबको उसी में एग्जाम करना होता था। ओके जी, सेम टॉपिक चेकिंग बाय डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट टेस्ट। ओके अब देखो एक और समझ लो, फॉर एग्जाम्पल इफ टू रिसर्चर आर ऑब्जर्विंग एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन एट नर्सरी, दे वुड बोथ हैव देयर ओन सब्जेक्टिव ओपिनियन रिगार्डिंग व्हाट सजेशन। इंटरनल कंसिस्टेंसी को देखो, जो आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, असेस द कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल आइटम इन अ टेस्ट दैट आर इंटेंट टू मेजर द सेम गन। कोरिलेशन बताना मुझे, कोरिलेशन क्या होता है, बताया था मैंने कोरिलेशन रिसर्च, इंटरनल कंसिस्टेंसी ये कीवर्ड है यहाँ पे, कोरिलेशन। एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा, एज इट इज, या तो एज इट इज ये लाइनें उठ कर आएगी, या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, वो बताती हूँ कैसे। मुझे समझ नहीं आता, कोई बात नहीं अंकिता, कोई बात नहीं, आपने क्या करना है ना, रिकॉर्डेड क्लास देखनी है। मैं भी आपकी जैसी थी, मुझे भी जल्दी समझ नहीं आती थी चीजें, मुझे भी बहुत टाइम लगता था, तभी तो बोल रही हूँ नोट्स बहुत कम पढ़ाती थी, बहुत ज्यादा मैं पढ़ती थी,
समझ ही नहीं आता था तो बार बार पढ़ती थी, तो क्या करना था, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी मुझे, मतलब औरों के कंपैरिजन में जब मैं औरों को देखती थी कि यार ये तो इनको तो इतनी जल्दी समझ आ जाता और मुझे समझ ही नहीं आता है, तो फिर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, और ये मेहनत का रिजल्ट है आज आप लोगों के सामने। यस वेरी गुड, रिलेशनशिप को बताता है, क्योंकि माइंड की बत्तियां खोलनी थी ना मुझे, इसलिए माइंड की बत्ती खोलने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ा फिर अपने दिमाग को खोलने के लिए। क्या है, रिलेशनशिप को बताता है, वेरी गुड। कौन से रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, वेरिएबल्स के बीच, ठीक है, कौन से वेरिएबल, कौन सा रिलेशनशिप सबके साथ होता है त्रिपाठी जी ये? हाँ जी, सबके साथ होता है, कुछ चीजें होती है और दूसरा जल्दी ऑब्जर्व कर पाता है और हमें नहीं ऑब्जर्व, खासकर मेरा मैथ, मेरे मैथ में ऐसा होता है, दूसरे को एकदम से समझ आ जाता है, मैं सोचती रह जाती हूँ, मेरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा जाता उतनी देर, आंसर भी आ जाता है। अभी तो नहीं होता, डीआई तो मेरा फेवरेट है, पहले स्टार्टिंग में, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये बात कर रही थी मैं, जब हम रिसर्च पढ़ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को तो आप भूल ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, नहीं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वेरी गुड। हाँ जी, समझ रहे हो मतलब बात को आप, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये वैसे भी। इंटरनल कंसिस्टेंसी बताएगा आपका, कोर रिलेशन किसके बीच में बताएगा आपका, बिटवीन मल्टीपल आइटम्स इन अ टेस्ट दैट आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट। अब देखो, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर मल्टीपल आइटम्स है, उनके बीच सेम रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जब सेम रिजल्ट आएगा तो ही हम मानेंगे, और पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि बोथ आर पॉजिटिव, टीचर की मेहनत अच्छी है और बच्चों की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मीन्स पॉजिटिव जा रहे हैं दोनों, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट इंटरनल कंसिस्टेंसी विदाउट रिपीटिंग द टेस्ट और इन्वॉल्विंग अदर रिसर्चर्स, सो इट इज गुड वे ऑफ असेसिंग रिलायबिलिटी व्हेन यू ओनली हैव वन डाटा सेट। आंतरिक स्थिरता की गणना कर सकते हैं इसलिए जब आपके पास केवल एक डाटा सेट हो, तो यह विश्वसनीयता का आकलन करने का अच्छा तरीका है। आप परीक्षण को दोहराए बिना या अन्य शोधकर्ता को शामिल किए बिना, ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षण को ना तो दोहराना है, जैसे टेस्ट रीटेस्ट में हम क्या करते थे, बार बार दोहराते थे, बट यहाँ पे दोहराना नहीं है, या अन्य शोधकर्ता को शामिल भी नहीं करना। अच्छा, जहाँ पे डिफरेंट हमारे रेटर्स या डिफरेंट शोधकर्ता या डिफरेंट रिसर्चर शामिल होते हैं, वो कौन सी आपकी रिलायबिलिटी है, नेम बताना। इसने बात बोली है शोधकर्ता, अन्य शोधकर्ता को शामिल किए बिना आंतरिक स्थिरता की गणना कर सकते हैं, कौन सा होता है जहां पर हम अन्य शोधकर्ता को शामिल करते हैं, अभी पढ़ा है, जस्ट टेस्ट रीटेस्ट है, अन्य शोधकर्ता भी, ज्ञान मिश्रा जी, शोधकर्ता रिसर्चर की बात हो रही है, टेस्ट की बात नहीं हो रही, दो टेस्ट को एक इंटररेटर है, यस इंटररेटर है आपका। अब देखो इंटररेटर का क्या निमोनिक बनाया, जो रेटर है ना, जो रेटिंग देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये रेटिंग बनती है ना, स्टार में रेटिंग दी जाती है, ए बी सी डी, आपने भी जब वो शॉपिंग करते होंगे तो रेटिंग देते होंगे, निमोनिक बनाना, रेटर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रेटर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटर रेटर, इंटर आपको पता ही, दो हो जाते हैं और इंटर आपका एक होता है, अगर आपको ये भी पता हो ना, देखो कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, इंटर आपको पता है एक होता है और इंटर आपके दो हो जाते हैं, तो भी आपका देख लो आंसर आ जाएगा इजीली। करेंगे जी हम इंटरनल कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल है ये, देख लेना, ठीक है, ये भी आपको पूरा दिया हुआ है, मैंने इसको भी देख लेना एक बार, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेना। इंटरनल कंसिस्टेंसी को और क्या बोला जाता है, कोरोना बैच अल्फा या गुड एरिया, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये कोरोना बैच अल्फा ये भी बोला जाता है इसको, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, फॉर्म वन फॉर्म टू टेस्ट वन टेस्ट टू, ये कुछ नहीं, परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट, इंटररेटर, अ मेजर ऑफ एग्रीमेंट, अ मेजर ऑफ इक्विलेंस, ये देखो मैंने बोला था ना कीवर्ड, अ मेजर ऑफ इक्विलेंस, अ मेजर ऑफ एग्रीमेंट, अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, कि कितना स्टेबल है, एक ही टेस्ट को बार बार चेक करें कितना स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी, ये सारे की वर्ड है, मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंसी ईच आइटम मेजरेबल, सेम अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट, की वर्ड, ये सारे की वर्ड है जो मैंने यहाँ पे दिए हुए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, फाइव स्टार लगा लो यहाँ पे, यहाँ से बाहर नहीं क्वेश्चन बनेगा आपका, और ये पीडीएफ में मिल जाएगा, एज अ फैक्ट आपको याद करना होगा ये एज इट इज, और हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, एक दो बार मिल्स टाइम लगेगा थोड़ा सा, मान लो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट हो जाएगा। नहीं होती, अब नहीं होती प्रेरणा जी, मेरी क्लास ही बंद है, ओनली 4 डेज मेरी क्लास होती है, और टाइम हो गया है आपका, कल करेंगे वैलिडिटी के टाइप और साथ के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी, सॉरी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के जो टाइप्स है वो मैं आपको खुद करवाऊंगी एक ब्लैंक शीट पे विद कीवर्ड के साथ, ठीक है, प्रेरणा
करूंगी, अगर हो जाएगा कल हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी करेंगे और साथ के साथ आपके पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट भी कर ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू जी सो मच ऑल ऑफ यू। जिनको समझ नहीं आया, मुझे पता है थोड़ा टफ था कंसेप्ट आपका रिलायबिलिटी का, जिनको समझ नहीं आया रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, नोट्स बना लेना और कीवर्ड बना लेना जो जो मैंने अंडरलाइन किया, बस हो जाएगा फिर। ओके जी, ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कल मिलते हैं। और पीडीएफ अभी सेंड कर देती हूँ आपको ये सारी, ठीक है।